हेलो दोस्तों, आजकल सबको इन्फ्लुएंसर बनना है, सबको यूट्यूबर बनना है, सबको क्या है, फेमस होना है। तो सब लोग ऐसा बोलते हैं कंटेंट बनाओ, कंटेंट बनाओ, ज़्यादा कंटेंट बनाओ, मोर कंटेंट। तो अभी के टाइम पर पूरा चेंज हो गया है। जो भी सोशल मीडिया पर जब भी वायरल हो रहे थे, पहले के लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाल के वायरल हो रहे थे, आज के टाइम पर सब लोग वीडियो डाल रहे हैं तो सबका कंटेंट नहीं चल रहा है। उसका रीज़न क्या है? सब लोग बोल रहे हैं मोर कंटेंट, मोर कंटेंट, मोर कंटेंट, बट सब जगह मोर कंटेंट नहीं चलता है। अभी के टाइम पर क्वालिटी कंटेंट चाहिए। बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूज़न रहते हैं कि सर मेरे को यूट्यूब पर करना है काम, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कितने रील्स डालूँ, कितने वीडियोस डालूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अभी के टाइम पर आपको मोर कंटेंट नहीं है, मोर क्वालिटी चाहिए। लेस वीडियो हो गए तो भी चलेगा। वो कैसे कि आप अगर समझ लो कि एक वीक के अंदर 5 वीडियो डाल रहे हो तो 7 वीडियो या तो डेली का एक वीडियो डाल रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। आप भले ही एक वीक के अंदर 2 या तो एक वीडियो ही डालो, बट वो क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। क्वालिटी मीन्स कि क्लियर वॉइस होना चाहिए, उसका टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, या तो एंटरटेन कर पाए, कॉमेडी कर पाए, कुछ भी वीडियो बनाओ, बट उसके अंदर क्वालिटी मैटर करेगी। आज के टाइम पर कोई भी फालतू वीडियोस देखने के लिए रुकता नहीं है। तो क्वालिटी वाला कंटेंट बनाओ, लेस कंटेंट चलेगा तो भी व्यू आ जाएंगे। और आप जितना भी वीडियो बना लो, कोई लोग बोलते हैं कि 300-400, मेरा एक दोस्त है वो 700 वीडियो डाल चुका है 6 महीने के अंदर, बट उसके 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट नहीं हुए, क्योंकि वो क्वालिटी नहीं बनाता है, ऐसे ही बना देता है डेली का। अगर आप डेली के वीडियो बनाते हो, आपके पास टाइम नहीं रहता एडिटिंग का, सोचने का क्या बनाऊं, तो आप क्या करोगे, ज्यादा टाइम सोचने में, एडिटिंग में लगाओगे और कम टाइम वीडियो बनाने में लगाओगे। तो वीडियो अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके आप कंटेंट वायरल होगा। और कुछ कंटेंट ऐसा ढूंढो कि जो ट्रेंडिंग के साथ चल रहा हो, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो। तो चलो मिलते हैं ऐसी दूसरी वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।